वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वीवीआई एमसीक्यू बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, डिफरेंशिएशन से यानी कि कैलकुलस से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। 40% से अबव क्वेश्चन कैलकुलस से पूछा जाता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। और जो डिफरेंशिएशन है वहाँ से जो एमसीक्यूज है वहाँ से मैक्सिमम 5 नंबर का क्वेश्चन और मिनिमम 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग आज इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, वीवीआई एमसीक्यूज बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन। तो इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हम लोग बनाएंगे। जिस तरह का प्रॉब्लम पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, उसी तरह का प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे सोल्व करेंगे। पिछले 5 साल 6 साल में जो भी प्रॉब्लम पूछा गया है वहाँ पे यहाँ आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी इसे आप मतलब अच्छे से बना लेता है तो मिनिमम उसका फुल मार्क्स यहाँ से गारंटेड है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो आज का जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो क्या है, डी अपॉन डी एक्स रूट टेन एक्स। और क्वेश्चन हमेशा डिफरेंशिएशन से सिंपल पूछा जाता है, उतना फास्ट नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स टेन रूट टेन एक्स। तो इसको किस तरह से सोल्व करेंगे, सबसे पहले तो रूट का होगा, सबसे पहले क्या होगा, रूट का डिफरेंशिएशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या होता है, 1/2 रूट। ठीक है, अगर वाई इक्वल टू रूट एक्स है देन डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, यूज करना है। तो क्या हो जाएगा, एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा, टेन एक्स 1/2 रूट टेन एक्स। एंड टेन एक्स का भी तो डिफरेंशिएशन, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। तो क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन कौन सा है, 1/2 रूट टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो सेकेंड प्रॉब्लम है वो क्या है, डी अपॉन डी एक्स लॉग ई टू द पावर लॉग कॉस ई टू द पावर एक्स। यहाँ पे तीन तीन फंक्शन है, लॉग भी है, कॉस भी है और ई टू द पावर एक्स भी है। तो इसको हम लोग किस तरह से करेंगे डिफरेंशिएशन, सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, डी अपॉन डी एक्स है तो सबसे पहले लॉग का क्या होता है, 1/2, तो जो भी है लॉग में उसको 1/2 लिखेंगे। देन क्या हो जाएगा, कॉस ई टू द पावर एक्स, लॉग का जितना भी रहता है उसका वो क्या हो जाता है, बटा में हो जाता है। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, तो इसको जितना ज़्यादा फास्ट होगा उतना हो सकता है उतना बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ पे आपको ये नहीं देखेगा कि आप किस मतलब किस विधि से जा रहे हैं, कि आपका मेथड क्या है, यह आपको बस आंसर चाहेगा। ठीक है, तो आप इसको जितना फास्ट बना सकते हैं, जितना फास्ट कर सकते हैं उतना करिए। लॉग का क्या हो गया, 1/cos e टू द पावर x इंटू कॉस का माइनस होता है साइन e टू द पावर x, और e टू द पावर x का भी तो होगा देन e टू द पावर x का e टू द पावर x। इस तरह से एकदम फास्ट बनाने का कोशिश कीजिए, कॉस ई टू द पावर एक्स देन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस अपॉन साइन, साइन अपॉन कॉस टेन ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। ओके, तो इसको हम लोग लिख क्या लिख, माइनस ई टू द पावर एक्स टेन ई टू द पावर एक्स, इस तरह से, देन बी इज द राइट आंसर। ओके, इसको हम लोग बिना सोल्व किए ही भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले लॉग का क्या होता है, 1/x, log x है तो 1/x होता है, तो log x के जगह पे cos e टू द पावर x देन 1/e टू द पावर x, cos का माइनस साइन, cos का सबसे क्या होता है, माइनस होता है। देखिएगा इस ऑप्शन में एक ही माइनस वाला है, इस तरह से भी हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन में क्या है, एक ही माइनस है, तो हम लोग का सिंपल e टू द पावर माइनस x tan e टू द पावर x, बाकी सारा पॉजिटिव है। ठीक है, तो इतना लंबा भी जाने की जरूरत नहीं है, अगर सेटिस्फैक्शन नहीं होता है तो हम लोग लंबा भी जाएंगे, क्योंकि अप्रोप्रिएट आंसर भी चाहिए, हड़बड़ी में हम लोग कोई आंसर गलत नहीं करना है। ठीक है, जो क्या है आज का जो थर्ड प्रॉब्लम है वो क्या है, डी अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स। ये तो क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, इसको आप लोग को बस याद रखना है। ठीक है, जितने भी इनवर्स फंक्शन है, बेसिक जो इनवर्स फंक्शन है और नॉर्मल जो फंक्शन है, उसका ऑलरेडी वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, तो उसका वीडियो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उसको आपको एकदम याद रखना है, तभी आपका ये सब प्रॉब्लम बनेगा। ठीक है, तो कॉट इनवर्स एक्स का सिंपल क्या होता है, माइनस 1/1 + x² और कोई फंक्शन का होता नहीं है जब तक लॉग में नहीं होगा, लॉग में होगा तभी होगा। और जो प्लस वाला होता है वो टेन का होता है, टेन का प्लस होता है, कॉट का हमेशा क्या होता है, डिफरेंशिएशन माइनस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉट इनवर्स एक्स है देन माइनस 1/1 + x². ये तो सिंपल याद रखने वाला है,
इसमें। तो आज का जो थर्ड प्रॉब्लम वो है क्या है, डी अपॉन डी एक्स लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टू वट, क्या होगा। तो सिंपल इसका हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए लॉग है, तो लॉग में क्या हो जाएगा, सबसे पहले डिवाइड होता है, इसको फास्ट करने की कोशिश करेंगे बस एकदम ट्रिक से। लॉग है तो वन अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू सेक एक्स का, फिर इसका भी तो होगा फंक्शन ऑफ फंक्शन, मतलब इसका भी तो होगा। तो सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस टेन एक्स का भी तो होता है, देन टेन एक्स का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स फंक्शन ऑफ फंक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए सेक एक्स प्लस इंटू टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, तो हम लोग क्या करेंगे, सेक स्क्वायर सेक एक्स हम लोग कॉमन है तो इसको बाहर निकाल लेंगे, क्या हो गया सेक एक्स प्लस, अब हो गया टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, एक एक क्या हो गया कैंसिल हो गया, बच गया मेरा सिंपल सेक एक्स, ओके सेक एक्स। तो पूरा इसको सोल्व करना है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में जल्दी जल्दी हम लोग कर लेंगे, वन अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स लॉग है तो नहीं, इसको पूरा सोल्व करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है पर इसको पूरा सोल्व करना है और आँख खोलकर सोल्व करना है, नहीं कि आँख बंद कर एकदम सोल्व करना है तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आज का जो फिफ्थ प्रॉब्लम वो है क्या, डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लोग किस तरह से सोल्व करेंगे, इसको अगर हम लोग पूरा को इस तरह से सोल्व करने जाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा, तो शायद सोल्व भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग को क्या करना है, हम लोग को फॉर्मूला लगाना है। हम लोग क्या जानते हैं यहाँ पे, कॉट इनवर्स माइनस थीटा, कॉट इनवर्स माइनस थीटा, हम लोग जब इनवर्स ट्रिगो फंक्शन जब पढ़ रहे थे तो क्या पढ़े थे, कॉट इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, सिंपल पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, ये चीज़ यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे, ओके। देन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्या, डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, इतना के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब इसका क्या करेंगे, टेन इनवर्स एक्स, फिर इसको हम लोग सोल्व करते हैं एक बार, डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर फिर माइनस पाई, इतना हो गया। अब इतना हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, ये हम लोग ऑलरेडी इनवर्स ट्रिगो फंक्शन में पढ़ चुके हैं। तो अगर वो वाला वीडियो अभी नहीं देखे हैं तो वो वाला वीडियो भी आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, अगर चाहिएगा तो लिंक मैं ऊपर आई बटन में भी दे दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होता है, पाई अपॉन टू, देन क्या हो गया, डी अपॉन डी एक्स पाई बाई टू माइनस पाई, ओके। देन ये तो कॉन्स्टेंट हो गया, कितना भी आएगा ये कॉन्स्टेंट होगा, देन इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो, कॉन्स्टेंट आ गया इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो, देन जीरो इज द राइट आंसर। फिर इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं, अगर सोल्व भी करेंगे तो क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स माइनस पाई बाई टू, तो इसको हम लोग को आगे सोल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से होगा माइनस पाई बाई टू, देन जीरो इज द राइट आंसर। तो ये था आज का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड ऑन डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम देखेंगे डिफ्रेंशिएशन के ही ऊपर। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे वीवीआई एमसीक्यू सारे चैप्टर का आने वाला है, सारे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, सारे 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड से रिलेटेड है वो फुल्ली आएगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे।